इंडिया में टाटा की तरफ से एक कमाल का काम नजर आया। उन्होंने कुछ ऐसा ही काम कर दिखाया। हुआ कुछ यूं है, रॉयटर्स की न्यूज़ में आपके सामने रख रही हूं और इसको इंटरनेशनल मीडिया कोट और रिपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और खबर ये है कि इंडिया ने चीपेस्ट इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी है टाटा ने। इसको टाटा टियागो कहा जा रहा है और इसमें इसकी जो प्राइस बताई जा रही है वो 8,49,000 यानी 8,50,000 के करीब इसकी प्राइस। फ्यूचर क्या होने वाला पाकिस्तान का और इंडिया का फ्यूचर क्या होने वाला, ये असल पहले में ये तो इंसान को अच्छा सोचना चाहिए। पाकिस्तान का फ्यूचर अच्छा ही होगा। जिस ला इला इल्ला अल्लाह की बुनियाद पर बना था, मैं समझता पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है बेहतर ही जाएगा, बेहतरी की तरफ ही जाएगा। इंडिया की चंद रोज़ा ही है, चंद रोज़े इनके हैं, लेकिन मतलब कह रहे हो कि उनके शशके चंद रोज़ के हैं, उसके बाद फिर वो वापस अपने हालात पे खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इंडिया कहाँ हो जाएगा, खत्म जीरो पर आ जाएगा, जीरो पर आ जाएगा। कैसे पता आपको? इसलिए कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। अंकल कह रहे हैं, वो अंकल क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इनकी 350-450 डॉलर की पाकिस्तान की जीडीपी है और एक ग्रुप इंडिया का 260 अरब डॉलर का। सो वो कई लोग कहते हैं जी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए इंडिया के साथ, मैं कहता हूँ करना चाहिए कंपैरिजन। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, हालांकि मैडम की इन्फॉर्मेशन उतनी गलत नहीं है बट उतनी सही भी नहीं है। वो एक राइटर्स की रिपोर्ट को कोट कर रही हैं। आपको भी पता है कि जो टाटा की इलेक्ट्रिक कार हैं, टियागो हो या टाटा नेक्सॉन हो, या बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार आ चुकी हैं इंडिया में, और इलेक्ट्रिक कार से पहले इलेक्ट्रिक बाइक्स आ चुकी हैं। आपने अगर देखा होगा, ओला हो, रिवॉल्ट हो, और बहुत सारी हैं, मतलब यार बाइक्स तो बहुत सारी हैं। बट प्रॉब्लम इनमें क्या है, ये डेफिनेटली भारत का फ्यूचर है, भारत का नहीं दुनिया का फ्यूचर है। वीडियो के लास्ट में करते हैं, टाटा की गाड़ी बहुत अच्छी है, प्रॉब्लम क्या है वीडियो के लास्ट में करते हैं, पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं। एक बंदा है जो बोल रहा है कि इंडियन बहुत जल्दी जीरो होने वाले हैं, उस पर भी बात करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको 50,000 ये कीमत है उसकी, पाकिस्तान के तो डबल हो जाते हैं ना, लेकिन इसकी 10,000 डॉलर्स आप कर सकते हैं। मेरा ख्याल है इतना ही कोई बनती है कॉस्ट, तो ये चीपेस्ट है। यानी आप देखें गाड़ियां तो इतने में नहीं आती, जो आप वो गाड़ियां लेते हैं जिसमें आप पेट्रोल डलवाते हैं। और इसकी सबसे जो कमाल बात है, सबसे जो ज़बरदस्त बात है वो ये है, वो उससे बहुत कम है जो आप ईंधन खरीद के चलाते हैं। यानी ये कि आप गाड़ी में पेट्रोल डलवा के जितनी दूर जा सकते हैं उससे आप समझ लें कि कोई 70-80% कम हो जाती है इसकी कीमत। तो एक मरतबा आपने ले ली और फिर चल सो चल काम है। हमने इससे पहले एक बात की थी जिसमें हमने ये डिटेल में बताया था कि जो प्लान है इंडिया का वो ये है कि किस साल तक वो अपने आप को इस तरह के जो फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां हैं जिससे पोल्यूशन पैदा होती है, इससे अपने आप को आज़ाद करवा लेंगे। वो भी हमने एक मरतबा बात की थी, लेकिन बहरहाल अभी तो हम इस पर बात करें। मैं आपके इसको कुछ और थोड़ी तफसीलात बताई देती हूँ। और वो ये है कि जो चाइना है वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की गई, लेकिन जो चाइना है वहाँ पर उसकी कीमत कोई तकरीबन 32,000 युआन बताई जाती है, और जो कि बनती है कोई तकरीबन 5,000 डॉलर्स या इसके करीब करीब बनती है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कीमत बहुत कम है, लेकिन हम उसके क्योंकि फ़ीचर्स नहीं जानते, हमें नहीं पता, तो हम ये उसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो मैं देख रही थी कि कोई कुछ महीने पहले ये इस तरह की कोई खबर ये आई थी, कुछ वीडियोस बनी थी कि जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान में एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की गई है, लेकिन ऑब्वियसली हम खुद तो बनाते नहीं इलेक्ट्रिक कार। वो मेरा ख्याल है कि निसान की या इस तरीके से दूसरी कंपनीज की कार थी जो कि लाई गई थी और पहली मर्तबा लॉन्च की गई, लेकिन वहाँ अभी तक पाकिस्तान में उसको कोई ऐसी पजीराई नहीं मिली कि यहाँ पर इतनी अवेयरनेस हो कि वो ये सोचे कि हम अब ये वाली गाड़ियाँ लेकर चलाते हैं। हो सकता है कि उसको अच्छे तरीके से अगर लॉन्च किया जाए या इस तरह किया जाए तो हो जाए इतनी अवेयरनेस। अगर आप कहीं दूसरे कंट्री में जाते हैं तो आप देखें, आप अमेरिका में चले जाएं किसी दूसरे कंट्री में, तो वहाँ पर तो आपको ख़ासतौर पर टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार जो हैं वो तो सड़कों के किनारे खड़ी हुई नज़र आती हैं, और उनका जो चार्जिंग का सिस्टम है वो रोड्स पर ही है। यानी जहाँ पर वो खड़े होंगे वहाँ पर उनके पूरे वो सिस्टम बने हुए होंगे और वो चार्ज हो रही होंगी। अब ये जो कार है यानी इन कंट्रीज़ में जो कार आएगी उसका क्या सिस्टम है, कि क्या उसके लिए भी कोई अलग सिस्टम होगा? लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वैसे तो मैं ये देख रही थी कि घरों में भी इलेक्ट्रिक कार्स जो होती हैं उनको चार्ज किया जा सकता। अच्छा, इसमें अगर आप ये सोचें कि क्या फ़र्क है,
यानी आप ईंधन से चलने वाली एक गाड़ी है, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी है और ये इलेक्ट्रिक कार है, तो आपने ख़रीदना है अगर ये, तो आप ये सोचें कि भाई मैं क्यों खरीदूं, तो आप कहें कि अच्छा मुझे कितना बचेगा, कितना पैसा मेरा बच जाएगा और कितना खर्च आएगा। तो मैं आपको ये जो टाटा टियागो है इसका मैं आपको ये बता देती हूँ कि कितना फ़र्क है दोनों में। देखिए, अगर आप 1000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस तय करते हैं और उसमें जो आपका पेट्रोल खर्च होता है वो 7000 या 8000 का खर्च होता है, तो जो टाटा टियागो है उसमें आपको सिर्फ 1100 रुपीज़ 1100 रुपए का जो है वो चार्जिंग चाहिए होगी, यानी कि बिजली चाहिए होगी उसको चार्ज करने के लिए। तो फ़र्क तो कितना ज़्यादा आ गया, यानी अगर तो लोगों में वाकई इसकी अवेलेबिलिटी इसकी होती है और सबके लिए ये अवेलेबल हो तो लोग तो इसकी तरफ भागें। अगर उनको ये समझ में आ जाए कि देखिए ना, कहाँ 8000 का आप ईंधन डलवाएंगे, कहाँ आप 8000 का पेट्रोल डलवाएंगे और कहाँ आप क्या करेंगे कि सिर्फ 1000 की चार्जिंग होगी, तो भाई ये तो भागम भाग सब खरीदेंगे। अच्छा, इसमें एक सबसे अहम बात जो कि हम ये कह लेते हैं ना कि सबसे अच्छा एलिमेंट इसका क्या है, वो ये है कि पोल्यूशन नहीं होगी। यानी दुनिया में इस वक्त जो एक बड़ा क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं, पोल्यूशन की बात करते हैं और बहुत सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं उसकी हम बात करते हैं, तो जब आप फ्यूल कार से कन्वर्ट हो गए इलेक्ट्रिक कार में, तो आपने दुनिया का, इस प्लैनेट का एक बहुत बड़ा मसला और इशू ख़त्म कर दिया, हल कर दिया, रिजॉल्व कर दिया, और वो ये है कि पोल्यूशन नहीं होगा। अच्छा, अगर अब हम इस पर बात कर लें कि पाकिस्तान अगर इम्पोर्ट करे इंडिया से इलेक्ट्रिक कार, तो कितनी आसानी है हमें, हमें एक तो ये कि हमें चीप कार मिल जाएगी, ठीक है, अगर वहाँ पे इंडिया के 8 लाख की है तो हमारा डबल कर लें, 16 लाख की मिलेगी, 16 लाख की, तो हमारी तो यहाँ पर जब हम बाहर से कारें जो है वो मंगवाते हैं, छोटी से छोटी कार जो ऑल्टो है उसकी भी जो अब प्राइस पहुँच चुकी है वो इतनी है, इससे ज़्यादा है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिक कार आ जाएगी, लेकिन अभी तो खैर ये हम बात सिर्फ उस वक्त करें कि आगे चलकर, एक तो ये कि हमारे में तो अभी इसकी अवेयरनेस क्रिएट करना ही बहुत ज़रूरी है, फिर इसकी अवेलेबिलिटी जो होना, तो इंडिया अपने लिए तो अभी उसने 10,000 पहला टाटा ने ये किया है, तो वो दूसरों को कब देगा। लेकिन ये भी आप देखेंगे आगे चलकर आपको नज़र आएगा कि वो सिर्फ अपने लिए ही इलेक्ट्रिक कार नहीं बना रहा, बल्कि वो दूसरों के लिए भी इलेक्ट्रिक कार बना रहा है। लेकिन हो सकता है कि ऐसा टाइम भी आए कि हम भी इंपोर्ट कर सकें उनसे। हाँ, वैसे तो हम ये चाहते हैं कि टाइम ऐसा है कि हम खुद गाड़ी बनाएं, हमारे पास टाइम ऐसा है कि हम खुद अपनी इलेक्ट्रिक कार बनाएं। अच्छा, यहाँ पर एक बनी थी पानी से चलने वाली गाड़ी, बड़ा ही शोर उठा, आप यकीन करें इतना शोर उठा कुछ साल पहले कि एक बंदा है जिसने पानी से चलने वाली कार बनाई है, और वो जिस तरह होता नहीं है कि हम अमरूद, टमाटर और आलू और इसमें हम ढूंढते हैं, ये देखो क्या निकला, ये इसके ऊपर जो है ये एक कोई इतनी मुकद्दस चीज़ लिखी हुई है, कोई किसी का नाम निकल आया, ये इसके ऊपर तो देखो अल्लाह लिखा हुआ है, इसके ऊपर बादलों में हम ढूंढते हैं वहाँ पर खुदा लिखा, इस तरह की चीज़ें ना हम इन चीज़ों में से निकालते हैं। तो उसी तरह का एक शोर उठा और लोगों ने कहा कि देखो पानी से चलने वाली गाड़ी निकाल दी, इस बंदे ने पानी से गाड़ी चला दी। हमने कहा भाई ये तो पूरी दुनिया के बारे न्यारे, तो बाद में हमारे बारे न्यारे, यानी हम तो दुनिया के नंबर वन कौम बन जाएंगे अब। एक तो ये कि मालामाल कि वो लोग कहेंगे कि आपने पानी से बनने वाली गाड़ी चला दी, तो हमें तो प्लीज़ भेज दें, हमें खरीदें। अब सोचिए पानी से बनने वाली जिस दिन गाड़ी निकल आई है, अच्छा लोग उसके पर एतबार कर रहे हैं, एतबार किया लोगों ने, ट्रस्ट किया, बेशुमार लोग आपको अभी तक ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हाँ वो सही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि टाटा की जो टियागो हो या टाटा नेक्सन हो, और बहुत सारी बाइक हैं यार, हुंडई की भी है, बहुत सारी बाइक हो, कार हो आ चुकी हैं इंडिया में, बट स्टिल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक ही है, प्राइस। अगर टियागो आप देखें तो प्राइस, उस प्राइस में आपको पेट्रोल गाड़ियां बहुत अच्छी मिलेंगी और वो उतनी अच्छी नहीं है। और टाटा नेक्सॉन अगर आप देखें, और टियागो का भी ये 8 लाख प्राइस नहीं है, क्लियर बता रहा हूँ मैं, 8 लाख बेस मॉडल है, उसके बाद रोड टैक्स जमाने भर का जो लगता है वो 10 जाएगी, और अच्छा वाला मॉडल है 12.5 लाख से ऊपर में। और टाटा नेक्सॉन में भी आप देखें, ये टाटा नेक्सॉन की भी आप गूगल पे नेट ना सर्च करें, आप जाकर ग्राउंड रियलिटीज़ देखें, शोरूम पे जाएं, तो सबसे अच्छा वाला मॉडल आएगा आपका 21 लाख रुपए का, ठीक है, 21 लाख। और जो उसमें 400 प्लस बता रहे हैं वो उतना नहीं चलता है, 300 प्लस चलता है, हालांकि 300 प्लस भी बहुत है, बट प्रॉब्लम ये है कि आप
किसी लंबे टूर पर जाना चाह रहे हैं तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि यार इसको कहाँ चार्ज करेंगे, क्योंकि अभी भी चार्जिंग के उतने अच्छे पॉइंट नहीं है। लेकिन ये चीज़ें बड़ी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अभी के लिए। तो मेरे हिसाब से एक ही बड़ी प्रॉब्लम है कि यार 21 लाख रुपये की कार, 21 लाख ऑब्वियसली मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 17 लाख से स्टार्ट है, 17 लाख भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। आपको पता है ना 17 लाख कितना होता है, ऑब्वियसली बहुत बड़ा होता है। उनके लिए कोई बड़ा नहीं है जिनके पास यार भाई 2 नंबर का पैसा है या दबा के कहीं से पैसा आ रहा है, तो 17 और 21 में कोई फर्क नहीं है। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के लिए 17 लाख हो 21 लाख हो बहुत बड़ा अमाउंट है। इवन 10 लाख की कार भी बहुत बड़ी बात होती है। हाँ ये बात सही है कि इसमें पैसा बहुत बचना है, और अगर आप लंबे टूर के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे तो डेफिनेटली फिर तो आप 5-6 साल में बहुत पैसा बना लोगे। 21 लाख रुपए की कार है, उसके बाद आप फाइनेंस कराओगे, कार का रेट जाएगा वो, अगर आप 5 लाख रुपए जमा कराओगे और फिर फाइनेंस कराओगे तो ऑब्वियसली कार तो फिर 30 लाख से ऊपर की पड़ेगी आपको, अगर आप किस्त, डिपेंड करता है कितने बड़ी किस्त आप करोगे, कितनी बड़ी नहीं करोगे। बट एक चीज़ कन्फर्म है भाई, एक चीज़ कन्फर्म है, फ्यूचर में ईवी का जमाना है। आज से आने वाले 5-6 साल में कार के प्राइस कम होंगे, ऑब्वियसली चार्जिंग स्टेशन बहुत सारे बनेंगे, और चार्जिंग स्टेशन बनेंगे उसके साथ साथ पेट्रोल का जो है वो रेट तो बढ़ना ही है, क्योंकि पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो भविष्य में ख़त्म ही होनी है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि यार भाई इलेक्ट्रिसिटी भी तो फॉसिल फ्यूल से ही बनती है, तो फिर उसका क्या सीन रहेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम रिन्यूएबल सोर्स देखेंगे, आपको भी पता है रिन्यूएबल सोर्स से भी एनर्जी बनती है, और इलेक्ट्रिसिटी आप न्यूक्लियर रिएक्टर से भी बना सकते हो, जो कि काफ़ी कम मतलब खर्च में बहुत ज़्यादा अमाउंट की आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिसिटी के ज़्यादा सोर्सेस हैं, बट फॉसिल फ्यूल का तो एक लिमिटेड सोर्स ही हमारे पास, कितने दिन और चलेंगे ये तो कुछ आप समझ सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें।